स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, जिस तरह से गांधी जी का सपना था उसी तरह से मंडी को भी पंचलाइन मिली है, स्वस्थ मंडी स्वच्छ मंडी। यह पंचलाइन जिसने भी दी होगी ना जाने कितनी गहराई से सोचा होगा, लेकिन मंडी की सच्चाई क्या है हम टटोलने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष और मैं हूँ आपके साथ परी शर्मा। देश के प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत को लेकर भाषण दिया, लोगों ने शपथ भी ली, तो क्या लोग जागरूक हुए? क्या मंडी में लोग जागरूक हुए? हमारा शहर जागरूक हुआ तो कितना? आज हम आपके सामने लेकर आएंगे मंडी की तस्वीर, जिसे देखकर आप भी बोलेंगे कि क्या हम वाकई जागरूक हुए। न था कि उनका देश आजाद होने के बाद बिल्कुल स्वच्छ होगा। गांधी जी खुद भी जिस वाल्मीकि मंदिर में रहते थे वहां का शौचालय खुद साफ किया करते थे, तो फिर हम और आप खुद आस पड़ोस की साफ सफाई क्यों नहीं कर सकते? देश की जनता ने पीएम मोदी के भाषण में दिलचस्पी दिखाई, शपथ भी ली, तो क्या उसके बाद हम वाकई जागरूक हो गए या फिर जस के तस है? आइए जरा सच्चाई पर एक नजर डाल लेते हैं, उन तस्वीरों पर नजर डालते हैं जो आप सबको सोचने के लिए मजबूर कर देगी कि क्या वाकई हम जागरूक। पंचलाइन मिल चुकी है और वो पंचलाइन जिसने भी दी होगी उन्होंने भी ना जाने क्या सोचकर यह नारा दिया होगा। उन्होंने सोचा होगा कि मंडी अगर स्वच्छ रहेगी तो यहाँ के रहने वाले बाशिंदे भी स्वस्थ रहेंगे। सरकार भी सफाई अभियान को लेकर समय समय पर लोगों को जागरूक करती रहती है। सरकार स्वास्थ्य से जुड़ी योजनाएं समय समय पर बनाती रहती है, तो क्या हमारा और आपका दायित्व नहीं बनता कि हम भी सरकार के साथ चलें, अपने शहर को स्वस्थ रखें, स्वच्छ रखें? मैं जब भी इस स्थान से गुजरता हूँ तो अक्सर देखता हूँ मैं गंदगी पाई जाती है यहाँ पे। तो अब तो गर्मी के मौसम आने वाला है, लोगों को चलने में काफ़ी दिक्कत होगी। साफ सफाई की कमी है, जागरूकता तो वैसे है सब में, सबको पता है कि ऐसी गंदगी फैलानी नहीं चाहिए, फिर भी अभी हर किसी की अपनी अपनी सोच होती है, तो प्रशासन ने भी थोड़ा इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। कुछ महीने पहले मंडी के पार्षदों ने खुद यह आरोप नगर परिषद पर लगाए थे कि मंडी जिला देश भर में सफाई के मामले में एक आदर्श बनने जा रहा था, लेकिन अब हालात ठीक उसके उल्ट हो गए हैं, जिसे सहज ही यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि मंडी की सफाई व्यवस्था कितनी चरमराई हुई है और लोग कहां स्वस्थ रहेंगे। के चैनल के लिए कैमरामैन संतोष के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।